भैयों को नमस्कार। राम राम। जय हिंद, जय गौ माता। मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से आमिर पठान। ये अपने फार्म के ऊपर गिर लैंडो गौ माता, गिर क्रॉस फर्स्ट लैक्टेशन अदंत, फुल हाइट वाली, माथे पे टीका, चौरी पूंछ, नीचे फीमेल का, फीमेल का भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और आज दिनांक 23 अप्रैल 2022 को अपने फार्म से डेगाना स्टड फार्म जो नागौर ज़िले में है, घोड़ों का बहुत अच्छा फार्म है, डेगाना स्टड फार्म के लिए जा रही है। और एक दूसरी गौ माता है वो भी दिखाता हूँ, इनका वीडियो नहीं बना पाया, उसके पहले ही सेल आउट हो गई। ये इसके नीचे फीमेल काफ है, थोड़ा दूर लेट डाल रहे बच्चे, ये देखो इसके नीचे फीमेल काफ है, बहुत ही प्योर क्वालिटी की फीमेल काफ है। और ये गिर लैंडो गौ माता है, और ये वीडियो बनाने से पहले ही चली गई, नहीं तो मैं आप लोगों को क्लियर वीडियो भी दिखाता। बच्ची ने घुमाई जटी ने टीको दिखा, बच्ची को टीको दिखा, टीको, ये देखो ये बच्ची है इसके नीचे, और ये गिर लैंडो गौ माता है, और ये लोड होके पिंटू जी के यहाँ जा रही है डेगाना स्टड फार्म पे। अभी 18 से 19 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी है, मिल्क कैपेसिटी, और 20 से 25 दिन की ये बछड़ी है साथ में। और ये रवानगी का वीडियो है, एक ये फुल हेवी गौ माता है फर्स्ट लैक्टेशन में, अभी शक्ल से थर्ड लैक्टेशन फोर्थ लैक्टेशन लग रही होगी, पर मेरा पिंटू जी से पारिवारिक संबंध है और एक हमारी दोस्ती वाली बात है, और ये फर्स्ट लैक्टेशन ही गौ माता है कबरे कलर में, जो ब्राज़ील के अंदर कबरा कलर है उसके अंदर, और ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, और ये 24 लीटर प्लस में रहेगी। और कितना हेवी बॉडी स्ट्रक्चर है, कितनी गिर की तरह गलकम्बल है, कैसी गिर की तरह नाभि है, कैसा गिर की तरह मुंदड़ा सींग है ऊपर घुमावदार, और कैसे कान है देख सकते हैं आप। और ये हमारे पिंटू जी भाई साहब स्माइल देते हुए इनके फार्म पे जा रही है, डेगाना स्टड फार्म। आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हो डेगाना स्टड फार्म, इनका हॉर्स ब्रीडिंग का फार्म है, और ये बड़े बड़े लाइन के घोड़ों के बच्चे इनके यहाँ आपको मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में इनके भाई के नंबर भी डाल दूंगा, किसी को घोड़ा वगैरह लाइन के परचेज़ करने हो तो। और मैं गौ माता दिखाता हूँ आपको, क्या शानदार गौ माता है, मैं आपको इसका बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये अपन वीडियो नहीं बना पाए, फर्स्ट लैक्टेशन ही है, देखिए आप। और ये दूध निकल के लोड की जा रही है, ये देखो दूध निकला हुआ है, दिन का समय है, ये लोड की जा रही है। इसके नीचे भी फीमेल काफ ही है, दोनों के नीचे फीमेल काफ है। ये निप्पल इसलिए छोटा है कि फर्स्ट लैक्टेशन है, ये बादी वगैरह उतरने के बाद में बहुत ही भारी गाय बनेगी, बहुत ही यूनिक गाय बनेगी ये सेकेंड थर्ड लैक्टेशन में। और फर्स्ट लैक्टेशन में थोड़ा निप्पल इसका छोटा है, लेकिन दूध में ये फुल रहेगी, दूध में फुल कैपेसिटी वाली रहेगी, बहुत ही हेवी गौ माता है। और ये इनके स्टड फार्म की जो गाड़ी है उसी के अंदर लोड होके जा रही है, वो भी मैं आपको गाड़ी भी दिखाऊंगा इनकी। देखो आप गाय का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, हाइट, पर्सनैलिटी, साइज़ देखो आप, अब समझ में आएगा आपको हाइट पर्सनैलिटी वगैरह। देखिए आप बच्ची, देखो आप फीमेल काफ नीचे, ये गिर लैंडो गिर क्रॉस, बच्ची लेट चाल मंगलवार पीवा था पानी पी रही है, जो बियॉन लिख के देते ना। देखो देखो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह कितनी हेवी गौ माता है फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर। बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आप, देखिए आप हाइट वगैरह देखिए गौ माता की। ये वर्ल्ड वाइफ के सीमन की है, वर्ल्ड वाइफ के सीमन की बच्ची आई है, ठीक है। ये देखो पिंटू जी मेरे मित्र हैं, और ये इनकी गाड़ी का सेटिंग है, देखो आप कैसे हॉर्स वाली सेटिंग कर रखी है गाड़ी की। ये देखो ट्रैक्टर वाला हुड लगा रखा है, धक्को लगा दे रहा, कंधा हूँ धक्को लगा, कंधा हूँ लगा रहा, हाँ लगा कंधा हूँ, आ जाओ बता। देखो ये देखो कितनी गजब की सेटिंग है बांधने की, देखो नीचे गद्दा लगा हुआ है,
कितनी गजब की सेटिंग है बांधने की, देखिए आप। भाई तो भी की ज्यादा मान की